साई राम दोस्तों, मैं शांति, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पनीर कैसे बनाया जाता है वो दिखाती हूँ। ये मैंने दूध को पहले उबाल लिया है, पहले दूध उबालना पड़ता है। फिर मैंने नींबू लिए हैं 3-4, उसमें गर्म पानी मिलाया है। गर्म पानी मिलाना बहुत जरूरी है। फिर हमें धीरे 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 करके डालना है इसमें, धीरे धीरे। ये अपने आप ही पनीर बनता हुआ चला आएगा। ये देखो कितना अच्छा पनीर बन गया है। इतना अच्छा पनीर बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम प्योर घर का बना हुआ। अब ये देखो पनीर और पानी बिल्कुल अलग हो गया है, कितना अच्छा पनीर बना है। अब मैं इसको छानूंगी बड़ी छलनी में एक कपड़ा रख के, और ये देखो कितना बढ़िया पनीर बना है। ठीक, अब गैस बंद कर देनी है हमें। अब मैं इसको छानूंगी। इसमें एक मैंने मलमल का कपड़ा रख दिया है साफ सुथरा धो के, और मैं इसको अब इसमें छानूंगी। इस पानी को आप अलग से निकाल दो ऐसे करके। इतना अच्छा पनीर बनता ना, आप बाहर से पनीर मत लिया करो, घर में ही बनाया करो। ये 1 किलो दूध का पनीर है, और मैं जब भी सब्जी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाने के लिए देती हूँ, तो मैं घर में ही बनाती हूँ। अब मुझे जितना पानी इसमें डालना होगा कि ये इसका सारा नींबू का जो रस है वो निकल जाए, पहले मैं इसको निचोड़ लेती हूँ। थोड़ा गर्म है, अब मैं थोड़ा इसमें पानी पनीर पानी डाल के इसको धो लेती हूँ, जितना भी नींबू का जो खटास है ना वो निकल जाएगा। अब इस कपड़े को ऐसे गांठ बांध दो इसकी। और इसको ऐसे इसमें ही फोल्ड करके ऐसे जो भी है, अब एक कटोरी में निकाल के इसको और अच्छी तरह इसको गांठ मार के फोल्ड करके, और इसको ऐसे रख दो, इसको करके ऐसे दबा के, कोई भारी चीज इसके ऊपर रख के, और इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे रख दो। अब मैं इसके अंदर एक जो ये होती है ना एक उखली, इसको रख के और ऐसे दबा के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, सारा पानी निचड़ जाएगा इसका। अब थोड़ी देर में आपको मैं आपको पनीर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा पनीर कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है, बहुत सॉफ्ट। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखो इतना लचीला और सॉफ्ट है, ये देखो, ये देखो कितना सॉफ्ट है एकदम। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। बाहर से सस्ता ही पड़ता है, और बाहर पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, शुद्ध तो पनीर बाहर आता ही नहीं है बिल्कुल भी। पनीर तो आप घर में ही बनाया करो। मैं जब भी कभी पालक पनीर बनाती हूँ, मटर पनीर बनाती हूँ, कढ़ाई पनीर बनाती हूँ, तो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, मैं कभी बाहर से नहीं ले आती। अब ये देखिए कितना बढ़िया पनीर बना है, ये इतना बढ़िया पनीर बना है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा। अब मैं अपने बच्चों को नाश्ता दूंगी, तो इसमें पनीर में थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के अपने बच्चों को खिलाऊंगी। तो दोस्तों आप भी बनाइए और खाइए, और अपने मस्त रहिए, खुश रहिए। ये देखो कितना सुंदर पनीर बना है, कितना अच्छा बना है, ये देखिए बहुत अच्छा पनीर है। चलो दोस्तों